इसको आप ऐसे भी समझो जैसे इंजन से डिब्बा जुड़ा हो, एक डिब्बा तो साक्षात जुड़ा लेकिन दूसरा डिब्बा इंजन से नहीं जुड़ा, दूसरे डिब्बे से जुड़ा, तीसरा उस दूसरे बोगी में जोड़ा गया, चौथा उस तीसरे में जोड़ा गया, इस तरह सैकड़ों बोगियां जोड़ दी गईं, जिसमें एक तो डायरेक्ट इंजन से जुड़ा है, बाकी सब एक दूसरे से जुड़े। परिणाम क्या होता है? बोले परिणाम यही होता है, इंजन हावड़ा जाता है तो बोगियां भी पहुंच जाती है। जाती है कि नहीं जाती? यही अनुबंध है। और उस बोगी में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े अधिकारी सब बैठे हों, लेकिन उस बोगी का संबंध अगर इंजन से नहीं है तो बोगी स्टेशन पे ही खड़ी रह जाएगी। और उस बोगी में अगर कोयला भरा है, कचरा भरा है, लेकिन इंजन से अगर संबंध है तो भी हावड़ा पहुंच जाएगा। इंजन ही भगवान रामानुजाचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, जिनसे हम परंपरा, गुरु परंपरा से जुड़े हैं। और वह गुरु परंपरा से जो जुड़े हैं, यह संबंध ही हमको भी खींच कर वहां पहुंचा देगा, भले हमारे अंदर कचरा ही भरा हो। यह विश्वास, देखो भक्ति में, भगवान की उपासना में विश्वास का ही महत्व है। इसीलिए तार्किक व्यक्ति, तर्क प्रधान व्यक्ति कभी भगवान का भक्त नहीं हो पाता, वो तर्क ही करता है। और विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास से चल पड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा कि विश्वास बहुत जरूरी है। अनन्य साध्य स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम, विश्वास ही नहीं महाविश्वास। अनन्य साध्य स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना कार्या प्रपत्ति शरणागति। महाविश्वास, बिना विश्वास के तो व्यक्ति रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच सकता, वैकुंठ क्या पहुंचेगा। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि आपको रेलवे स्टेशन जाना हो अपने घर से, तो रिक्शे वाले को बुलाओगे, थ्री व्हीलर बुलाओगे, जो भी साधन मिले। विश्वास करके आप बैठ गए तो वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगा। और अगर विश्वास आपने नहीं किया, आपने कहा देखो भाई तुम हमको पहुंचा पाओगे कि नहीं पहुंचा पाओगे, तो कहेगा साहब पहुंचा देंगे। उसके बाद आपने पूछा तुमको स्टेशन का रास्ता मालूम है, तो कहेगा हाँ मालूम है। बोले सकुशल पहुंचाओगे कि कहीं पटक दोगे। अब इस प्रकार अविश्वास अगर करने लग जाओ तो वो अंत में वो रिक्शा वाला भी ऊब जाएगा, कहेगा साहब चलना हो तो चलो, फालतू के प्रश्न क्यों करते। वह एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि आप चुपचाप विश्वास करके उसके भरोसे बैठ जाओ, आपको शांति से पहुंचा देगा। बिना विश्वास के तो आप रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते, वैकुंठ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि रिक्शे वाले पर विश्वास कर लेगा, तांगे वाले पर विश्वास कर लेगा, डॉक्टर पर विश्वास कर लेगा, पुलिस पर विश्वास कर लेगा, वकील पर विश्वास कर लेगा, लेकिन भगवान पर और शास्त्र पर उसे विश्वास नहीं होगा। यही दुर्भाग्य है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। विश्वास होता क्यों नहीं? पुण्य का अभाव। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए। पुण्य की जब कमी होती है तो शास्त्र पर, भगवान पर, संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास नहीं होता।